नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर सोनू एंड मिस्टर अभय जुड़ चुके हैं, जो कि इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर ज्वाइनिंग कर चुके हैं और अभी फिलहाल इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। तो सबसे पहले इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम, ताकि ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके। इनके एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ जानकारी मिल सके, स्पेशली जेई वाले स्टूडेंट लोग के लिए, कि किस तरीके से डीबी होगा और किस तरीके से मेडिकल होगा। तो सबसे पहले एक एक करके आप लोग अपना थोड़ा सा परिचय दे दें। सर, मेरा नाम सोनू कुमार है, डिप्लोमा की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और मतलब हम अरवल डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। मेरा नाम अभय कुमार है, डिग्री हो गया मैट्रिक और आईटीआई, डिस्ट्रिक्ट अरवल डिस्ट्रिक्ट, वार्ड डिवीजन और आरआरबी मुजफ्फरपुर। सबसे पहले आप ये बताइए कि फॉर्म भरने से लेकर के यहाँ तक का जो आपका ये जर्नी रहा, ये जो सफर रहा, ये कैसा रहा? कितना चैलेंजेस से भरा हुआ रहा या कितना स्मूथ रहा आपके लिए? आप इस सफर को कैसे देखते हैं? सफर को देखता है मतलब बहुत ही अच्छा रहा, डिफिकल्ट तो रहा, लेकिन आज सफलता मिल गई है तो उतना अनुभव मतलब फीलिंग आता नहीं है, पिछले का चीज याद को, लेकिन डिफिकल्ट था। पटना में रहकर तैयारी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, अच्छा खासे था, शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे खासे थे ही, और इसलिए मेरा मतलब यदि 20 साल हो ही रहा है, समझ सकते हैं कि ज़्यादा मेहनत किए बहुत ज़्यादा, इसलिए इतना कम हो गया जॉब मिल पाया। अच्छा, आप मैट्रिक कब किए? मैट्रिक 2014 में किया था। इंटर? इंटर 2016। आईटीआई? और आईटीआई 2015। अच्छा, आईटीआई के बेसिस पे ही आपका जॉब लगा? डिप्लोमा भी किया है? ट्रेड क्या था आपका आईटीआई का? ट्रेड था, डीजल मैकेनिक। अच्छा, तो आपका ये जो तैयारी होता था ये फुल टाइम डेडिकेटेड तैयारी था या तैयारी के साथ और भी कुछ कर रहे थे? नहीं नहीं, तैयारी इसी में लगे हुए थे, रेलवे खास करके रेलवे ड्राइवर का ही। इससे पहले ग्रुप डी में तैयारी कर रहे थे, ग्रुप डी में 65 मार्क्स था, लेकिन हो नहीं पाया था भोपाल बोर्ड में, और यहाँ मतलब इसमें 68 नंबर है तो मेरी ग्रुप सब लगा। तो आपका जो तैयारी होता था वो कैसे होता था? ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी? हम दोनों करते थे सर, बुक से भी और ऑनलाइन भी। तो हम लोग का ग्रुप डिस्कशन चलता था अच्छा खासा वहाँ पे, तो मतलब करीब 12 या 13 स्टूडेंट थे हम लोग, सब सीनियर थे हमसे, हमको गाइड भी करते थे, लेकिन एग्जाम एग्जाम होता था उसमें अच्छा मार्क्स लाते थे। ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है, और ऊपर से हम एनसीईआरटी के बुक पर फोकस ज्यादा किए। ये बुक्स के बारे में बात करें तो अभी जो ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कुछ रिकमेंडेशन देना चाहेंगे मैथमेटिक्स को लेकर के? तो हम लोग जो पढ़ाई किए, हम तो वही पटना में रह के प्लेटफॉर्म जो बुक्स निकालती है वो पढ़ते थे, और उससे हम तो एनसीईआरटी का बुक पढ़ते थे मोबाइल से, ऑनलाइन हो गया जो टेस्ट बुक वगैरह सब होता है। मैथ रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए सर कभी हम पढ़ाई नहीं किए, मतलब जो सेट मारते थे उसको वही से हो जाता था। जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस के हाँ बुक लिए थे, जनरल अवेयरनेस के, और कोचिंग पकड़े थे तो क्लास टीचर में क्लास में हो जाता था, और बुक से बुक था लुसेंट टुसेंट सबका। जो साइंस का स्पेशल लुसेंट हम लोग क्यूज कर लेते थे, पर डे क्यूज मतलब टास्क मिल जाता था, उतना याद कर लेते थे, वो सब मजबूती रहा, और एनसीईआरटी का बुक था। और जनरल साइंस? जनरल साइंस वही जो जनरल लुसेंट में एक जनरल साइंस आता है, जनरल अध्ययन मतलब जनरल साइंस सब चीज उसमें मिक्स होता है, तो जनरल साइंस से लुसेंट से किए थे हम लोग, और बार बार बोल रहे हैं कि हम ज़्यादातर फोकस कर रहे थे इसी पर एनसीईआरटी, क्योंकि हमको जैसे पिछले का एग्जाम से ऐसे मतलब हमको लगा कि जैसे एनसीईआरटी के बुक से ज़्यादा रिलेटिव क्वेश्चन आए, तो इसी चलते हम एनसीईआरटी में ज़्यादा फोकस किए थे, वही है कि उसके चलते मेरा रिजल्ट बहुत जल्दी। थैंक यू इनको दी। आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक का आपका अनुभव एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, एक्सपीरियंस वही जैसा कि भाई कुमार जी बताएं कि मतलब बहुत ही चैलेंजिंग रहा, और मेरा कहना है कि मतलब हम स्पेशली एलपी की तैयारी नहीं किए थे, हम साइड से दूसरा चीज कर रहे थे, लेकिन जो होता है ना कि मतलब कुछ अगर नॉलेज हो तो मतलब हो जाता है काम, मतलब बेसिक मजबूत है तो फिर क्लियर हो जाता है। वही बात है, मतलब करते रहे हो गया। और भाई जी का और जो भी BSFSI में भी हो गया, कांग्रेचुलेशन। अच्छा अच्छा, तो वही सब मतलब अभी जो आने वाला जो है NTPC, हमें लगता है कि जो भी जितना मतलब रेलवे एग्जाम ली है अभी तक, ग्रुप डी हो, ALP हो, तो उस सब का क्वेश्चन बैंक बना लेने से मतलब अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, काफी है उतना। जेई भी दिए थे?
हाँ रेलवे से ही दिए थे, लेकिन मेरा दो नंबर से छोटा है। सीवी टू में? हाँ सीवी टू में। अच्छा, मेरा 83 नंबर था और उसमें तैयारी नहीं हो पाया था, उसमें रेलवे का ज्वाइनिंग था और डॉक्यूमेंट बनाने में मतलब बिजी हो गए बहुत ज़्यादा, एक महीना टाइम लग गया है। अच्छा, चला गया। तो BSF में जो आपका सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ का ग्रेड पे ये LP के ग्रेड पे से ज़्यादा है? हाँ बहुत 42 सोचता है। अच्छा, तब तो यहाँ से आपको इजिली NOC मिल जाएगा। NOC अब तो बात नहीं की है, मंडल में बात नहीं की है। अच्छा, तो वहाँ पे अभी फाइनल नहीं हुआ है क्या BSF में? BSF टोटल चीज़ों के किसी पर ज्वाइनिंग है ना। अच्छा, डिफेंस में मतलब BSF में हाँ सबसे फर्स्ट में क्या हुआ था कि मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था दो वो, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद फिर PT हुआ। PT में वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन सब हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग आया, मेरिट आया। हाँ 40 सीट थी उसमें, हो गया। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में 40 सीट ही था, उसमें आप बाजी मार गए। हो गया तो उसका सिलेबस मेहनत की है, मेहनत का रिजल्ट तो पॉजिटिव होता ही होता है। तो उसका थोड़ा सा डिटेल में बताइए तो उसका फॉर्म कब आया था, कैसे आया, ताकि कोई फ्यूचर में जरूर उस एग्जाम की तैयारी करना चाहे कोई छात्र हो तो उसके लिए कुछ जानकारी मिल जाए। फॉर्म डिप्लोमा पे निकलती है, डिप्लोमा पे निकलती है, साल में 2 साल पे आती है फॉर्म। ओवरऑल इंडिया में सिविल का और इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, चलिए, आप लोग को लेट भी हो रहा, अभी क्लास भी है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय दोस्तों।